नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं राजस्थान विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य, भाजपा के दिग्गज नेता ज्ञानदेव आहूजा जी। ज्ञान जी, आपका जंटी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक लंबा दौर रहा और पिछले दिनों आपने पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके कई बातें कही, तो उसके कई मायने निकाले गए कि वजह यह हो सकती है कि राजनीति से शायद ज्ञान जी का बिल्कुल ये कहें कि मोहभंग हो गया है, या फिर सरकार के साथ में पटरी नहीं बैठ पा रही है। वजह क्या है? ऐसा है योगेंद्र जी, न राजनीति से मोहभंग हुआ और न सरकार के साथ पटरी बैठने की बात है। मैं माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी का न दैन्यम न पलायनम, न दीनता हीनता दिखाएंगे न पलायन करेंगे, इसलिए राजनीति से मोह भंग होने का कोई कारण नहीं। और राजनीति में मैं अपनी इच्छा से नहीं आया जी। हमारे मूल संगठन के वैचारिक धरातल के सोच विचार और आदेश के कारण से आया। अलवर जिले का जो मेवात क्षेत्र है विशेष रूप से, वहां पर हिंदुओं पर जो अविरल रूप से लगातार अत्याचार होते आए थे, उसके रोकथाम के लिए तय किया गया था कभी माननीय श्रवण सिंह जी, माननीय लालकृष्ण जी आडवाणी जी और माननीय गोविंदाचार्य जनरल सेक्रेटरी थे, ये तय हुआ कि मेवात क्षेत्र में दो दबंग नेता एक नगर में भरतपुर जिले में श्री गोपी चंद गुजर और रामगढ़ से मैं, दोनों को टिकट दिया 93 में। अब मुझे तो अचानक बताया गया था, मैं भारतीय मजदूर संघ में था और मजदूर क्षेत्र में था तो भी संघ योजना से ही था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बचपन से स्वयंसेवक हूँ, 8 वर्ष का शाखा में गया 1958 में। तो अचानक बताया गया और ना पैसा पास में था ना संपर्क था, तो वो चुनाव मैं जीत नहीं पाया। और उस समय गोपीचंद जी गुजर जीते, लेकिन श्री गोपीचंद गुजर ने पार्टी में अनुशासनहीनता के कारण अपने आप को पार्टी की लाइन से ऊपर उठ करके अहम अभिमान के कारण से, और भी कई कारण रहे होंगे, वो पार्टी से बाहर हो गए। और माननीय महेंद्र सिंह जी शेखावत उस समय ठाकुर साहब जो राजस्थान के सर्वमान्य नेता थे, बाद में महामहिम उपराष्ट्रपति भी बने, बहुत योग्यताएं, बहुत प्रतिभाएं, बहुत संपर्क, बहुत जन नेता थे, मास लीडर थे, उनसे ही वो टकरा गए। मैं पार्टी में रहते हुए काम करता रहा और उसके बाद लगातार लगभग मैं जीत रहा हूँ मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र में हिंदुओं के लिए, चाहे मंदिरों के लिए, बहन बेटी के लिए, चाहे गोरक्षा के लिए, या हिंदू प्रतिमान जो हिंदू हमारे सम्मान के प्रतीक है, उन सब की रक्षा के लिए वहाँ काम किया। आने को मेरे बंधु भी आते हैं, लेकिन वो उनको मैं एक बात कहता हूँ, तुमको हम भाई तभी कहेंगे जब तुम हमारे हिंदू या बड़े भाई हिंदू, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक शब्द का प्रयोग मैं नहीं करता, बड़े भाई हिंदू का तुम सम्मान करोगे और उनके जो सम्मान के प्रतीक है उनका सम्मान करेंगे, तो तुम हमारे भाई हो, नहीं तो भाई नहीं हो। उनमें से कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने इस मान्यता को स्वीकार किया है। इस मेरे आने के बाद न कभी रामगढ़ में या मेवात में दंगा होने दिया और न कभी कोई ऐसा फसाद संप्रदाय। एक सवाल है यहाँ पे, ऐसा क्यों लगता है कि रामगढ़ में वहाँ पे हिंदुओं पे, गोवंश पे अत्याचार हो रहा था? वो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अभी भी उन्होंने एक हिम्मत दिखाई नौगांव में 3 महीने पहले, 36 गाय एक साथ काटी हरियाणा के बॉर्डर पर। हरियाणा में मेव समाज ने मेवात में हिंदुओं को गांवों से पलायन करवा दिया और हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी नहीं तो दुष्कर्म और बदतमीजियां भी की। वो स्थिति स्प्रिट और स्प्रिट वो राजस्थान में लाना चाहते थे, उसको हमने चलने नहीं दिया, इसलिए वो प्रत्यक्ष प्रमाण का जो है वो है। लेकिन दोनों जगह भाजपा शासित प्रदेश है, हरियाणा में भी और राजस्थान में भी, तो कानून से ऊपर कोई नहीं है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे मेव हो, चाहे रेवारी हो, कोई भी हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में शासन होते हुए भी सबको साथ लेके चले, ये सोच जो है ना, माननीय नरेंद्र मोदी जी वाला सबका साथ, सबको साथ, सबका विकास, ये नहीं, दूसरे ढंग से जो सोच बनती है, इस कारण से उनका मनोबल थोड़ा ऊंचा हुआ था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अब मेवात में उनके मनोबल डाउन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के शासन के कारण से डाउन है, हरियाणा में भी, राजस्थान में, और चाहे हमारी दबंगाई के कारण
प्रभाव और असर के कारण से उनका मनोबल डाउन है जी। मुख्यमंत्री को लेकर के भी पिछले दिनों आपकी टिप्पणी रही, कहा यह गया कि 11 तारीख तक मुझे शांत रहने के लिए कहा गया है, 11 तारीख के बाद की कुछ चुप्पी। मुख्यमंत्री जी के मैं बहुत निकट रहा और मैं उनके उस समय सबसे ज्यादा निकट रहा जब वो अब संकट काल में थी, जब राजस्थान में निर्णय लिया गया था पार्टी ने, राष्ट्रीय नेताओं ने, महामंत्री संगठन ओम प्रकाश जी गुप्ता और ओम प्रकाश जी शायद पार्टी से यहाँ से हरियाणा से राजस्थान से अलग हुए, केंद्र का निर्णय था, हमारा निर्णय नहीं था। और माननीय वसुंधरा जी को भी राजस्थान के उस समय नेता प्रतिपक्ष और अध्यक्ष पद से इस्तीफा लेके और राजस्थान से दिल्ली ले जाया गया। उस समय मैं उनके साथ था और आज भी साथ हूँ, ऐसा नहीं है कि आज मैं कोई व्यक्तिगत, क्योंकि राजनीति में मैं एक खिलाड़ी की भावना से काम करता हूँ। खिलाड़ी जीतते और हारते आपने देखा क्रिकेट के मैदान में, जो टीम हारती है वो दूसरी टीम से हाथ मिलाती है, हम कोई दुश्मन नहीं है। और महाभारत कर ले और एक दूसरे को मारने काटने के लिए दौड़े, एक खेल खिलाड़ी की तरह से मेरा मन भावना रहती है। इसलिए तब भी मैं निकट था, अभी निकट हूँ, लेकिन थोड़ा सोच में अंतर आया है। एक शेर के साथ आपको शुरुआत करें, वक्त पड़ा गुलशन पे तो लहू दिया हमने और अब बाहर आई तो कहते तुम्हारा काम नहीं। यह जो मन माननीय वसुंधरा जी के बना, क्यों बना पता नहीं, मैं उनका आज भी सम्मान करता हूँ। और उस समय जब संकट काल में थी, उस समय मैं वैचारिक धरातल मूल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के न चाहते हुए भी मैं उनके साथ में और रहा और जिला से लेकर के शहर तक मुझे हमारे केंद्र नागपुर तक नाराजगी मुझे झेलनी पड़ी। और वो नाराजगी इसलिए नहीं झेलनी पड़ी कि मैं संघ किसे अलग हट करके कोई भारत माता की बजाय वसुंधरा माता की जय बोल रहा था। मेरा उस समय सोच था जो आज भी है, आज उसमें थोड़ा परिवर्तन आया है। उस समय मेरा सोच था कि राजस्थान में अशोक गहलोत साहब का शासन था, माननीय अशोक गहलोत साहब कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस का शासन था, तो अशोक गहलोत साहब को हरा सकती है तो माननीय वसुंधरा जी, और पार्टी भारतीय जनता पार्टी का शासन वापस ला सकती है, कांग्रेस को हरा सकती है तो माननीय वसुंधरा जी। उस समय उनके नाम का बहुत क्रेज था और उस क्रेज का, उस असर का, उसके प्रभाव का, उस आकर्षण का लाभ राजस्थान की जनता में भारतीय जनता पार्टी को मिले, हमारे वैचारिक धरातल को मिले और भारतीय जनता पार्टी का दोबारा शासन आए। इसलिए वैचारिक धरातल जनहित में, पार्टी के हित में, राजस्थान की जनता के हित में और राजस्थान प्रदेश के विकास के लिए मैंने उनको साथ दिया जी। लेकिन अभी क्या स्थिति है? अब स्थिति यह है कि उन्होंने और उपेक्षा की कार्यकर्ताओं की, मेरा व्यक्तिगत कई बार पत्रकार सोचते हैं गांधी जी को मंत्री नहीं बनाया शायद इसलिए नाराज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरी जो शख्सियत और हैसियत है, योगेंद्र जी आप जानते हैं, पत्रकार सभी जानते हैं, वो राजस्थान में और ऑल इंडिया लेवल पर, और मैं तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मैं भी सेमिनार में जाने का मेरा नाम गया भारतीय मधु संघ में जब मैं था, मैं बचपन में संघ का स्वयंसेवक, फिर तो अखिल भारतीय विद्यालय परिषद और लगभग 6 वर्ष हिंदू जागरण मंच और भारतीय मधु संघ के स्टेट और ऑल इंडिया के कितने ही लेबर फेडरेशनों में मैं पदाधिकारी रहा, गवर्नमेंट के ESI और PFS में मैं डायरेक्टर रहा, रीजनल कमेटियों में भारतीय मधु संघ की ओर से, और गंगानगर शुगर मिल बोर्ड का भी डायरेक्टर रहा, ILO तक में मेरा नाम गया टेक्सटाइल लेबर फेडरेशन की ओर से, मैं टेक्सटाइल लेबर फेडरेशन का राजस्थान का अध्यक्ष, उद्योग महासंघ का वस्त्र उद्योग और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष बाद में महामंत्री रहा। तो मेरी हैसियत और शख्सियत किसी MLA से, किसी MP से कहीं ज़्यादा ऊपर है, मैं उसमें कहीं अपने आप को इल फील या ह्यूमिलेट महसूस नहीं करता, कहीं मन में इन भावना का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिस प्रतिभा के साथ, जिस व्यवस्था के साथ